गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टेंस अपन ने प्रेजेंट टेंस कर लिया है, पास्ट टेंस कर लिया है। प्रेजेंट टेंस में अभी आपने चारों टेंस पढ़े हैं, पास्ट में पढ़े हैं, उसके बाद नेक्स्ट टेंस अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेज के अंदर जो सेंटेंसेज होते हैं ना, उन सभी के लास्ट में क्या आते हैं बेटा, गा गे की साउंड आती है। अंडरस्टैंड, जैसे इनडेफिनेट की अपन बात करेंगे, मैं स्कूल जाऊँगा, बच्चे खेलेंगे। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वह खेल रहा होगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, खेल चुका होगा, जैसे वो घर पहुंच चुके होंगे। तो आपको बेसिकली याद रखना कि इसके अंदर गा गे गी साउंड आती है। और फ्यूचर इंडेफिनेट की फॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आपको सब्जेक्ट, विल, सेल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी चारों सेंटेंसेज के अंदर आपको ध्यान रखना कि सेल है वो आई और वी के साथ लगेगा। आई वी के साथ सेल यूज करना है आपको, ही, सी, इट, दे के साथ, और कोई भी नाउंस, नाउंस मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स, मंकीज, उन सब के साथ, है ना। विल, जैसे दे विल गो टूडे, अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स विल नॉट कम हेयर, मीन्स केवल आपको इसमें ये याद रखें कि आई और वी के साथ तो आपको सेल लगाना है, बाकी सभी के साथ, है ना, आप विल का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर अपन बात करें बेटा, तो इसका एक सिंपल यूज होता है, इट डिनोट्स ए फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन के लिए जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, टुडे, ये वर्ड्स भी जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे आप फ्यूचर, जैसे मैं कहता हूँ ही विल कम टुडे, अंडरस्टैंड, आवर रिजल्ट विल कम टुमोरो। तो इन वर्ड्स के लिए एक तो सिंपल सा यूज है, फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपको याद रखना है एक प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज को के अंदर जैसे यहाँ पे होता है इफ क्लोज होता है बेटा, इफ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, ये तो सबॉर्डिनेट क्लोज है, You will pass। इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अगर if क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है तो यहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है वो आएगा। अंडरस्टैंड, ये तो है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बताई थी, इसमें ही, सॉरी ही की बजाय आप लिखे, फॉर्मेशन में आएगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस विल सेल और बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। विल सेल तो सभी में आना है फ्यूचर के अंदर, और ये आई एन जी फॉर्म में बेटे कंटिन्यूटी को शो करती है, जैसे आई सेल बी अराइविंग देयर। नेगेटिव की अगर अपन बात करेंगे ना बेटा, तो यहाँ सेल के बाद आपको नोट लगाना है, आई सेल नोट। इंटरगेटिव अगर बनाएंगे, विल यू बी लर्निंग Your lesson, ओके। और नेगेटिव इंटरगेटिव तो केवल आपको यहाँ पे नोट लगा देना है, विल यू नॉट बी लर्निंग यूअर लेसन। और ये फ्यूचर के कंटिन्यूस एक्शन को शो करता बेटा, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि कल आप लोग संडे टेंस पढ़ रहे होंगे, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे आपको इसको यूज कर लेना है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं आपको बताऊंगा इसकी फॉर्मेशन में आपके पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे दे विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, अंडरस्टैंड।
नेगेटिव आपको बनाना है तो आपको ध्यान रखना कि विल के जस्ट आफ्टर नोट लगाना है. दे विल नॉट हैव क्रॉस द रिवर. विल मदर हैव कुक्ड फूड और विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड. ओके, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना कि जहाँ पे नोट लगाना ना वो विल सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नोट आएगा, विल के बाद नोट आएगा और ये फ्यूचर के कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है. फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन, अंडरस्टैंड, फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा उसके लिए आप लोग फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करेंगे. और उसके बाद लास्ट में जो इसके पास आप यूज़ करेंगे ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये क्या इंडिकेट करता है कि जो फ्यूचर में कोई भी वर्क किसी डेफिनेट और इंडेफिनेट, डेफिनेट और इंडेफिनेट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंस और फोर का यूज़ करते हो, वो नोट्स आपने डाल रखे हैं. फ्यूचर में कोई काम किसी निश्चित अनिश्चित अवधि से जारी रहा होगा ना, इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे सिंस मंडे आपको पता है एक निश्चित होता है, मैं कहता हूँ कि फॉर टेन डे टेन टेन मिनट्स, तो टेन मिनट्स मीन्स कौन सी भी टेन मिनट्स होते हैं तो वो इनडेफिनेट होता है. और इसमें जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू ओवर्स, जैसे फोर टू ओवर्स का है ना, फोर टू ओवर्स तो सेवन टू नाइन भी हो सकते हैं, एट टू टेन भी हो सकते हैं, तो ये इनडेफिनेट होता है. और मैं यहाँ पे जैसे फोर पे मैं लिखता सिंस 9 AM, तो ये क्या है, एक निश्चित समय है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली. नेगेटिव इसका भी आप बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको नोट लगाना है दे विल नॉट हैव, अंडरस्टैंड. और इंटरोगेटिव आपको बनाना है तो विल यू हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 5 days, इंटरोगेशन मार्क, और विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 5 days. तो ये फ्यूचर के अंदर बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स विल सेल हैं और ये टेंस केवल फ्यूचर को इंडिकेट करता है. ये इसको बेटा आप इस वीडियो की मदद से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे सभी को. ओके, इट इज़ ऑल फॉर टुडे.